अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं कमल और आप देख रहे हैं कुकिंग विद कमल। आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों की बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी जिसका नाम है आलू मेथी। आज हम लोग इतनी क्रीमी स्टाइल में बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और मेरी रेसिपी को फुल एंड तक देखा करें और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दिया करें। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मेन इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आधा किलो मैंने मेथी ली है जिसे मैंने बारीक काट कर अच्छे से धो लिया हुआ है, क्योंकि आपको पता है मेथी में ज़रा मिट्टी वगैरह ज़्यादा होती है, इसे अच्छे से धो लें। आधा किलो ही मैंने पालक ली है। 3 पाव के करीब मैंने आलू लिए हैं। देखिए मैंने इसको क्यूब शेप में काट लिया हुआ। अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। एक बर्तन लेंगे और मीडियम फ्लेम कर लेंगे हम लोग। 1 कप ऑयल डालेंगे, 1 दरमियानी साइज की बारीक प्याज काट लेंगे। प्याज को हम लोग लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारी लाइट पिंक हो चुकी हुई है, इसमें बारीक कटे हुए हम लोग 2 टमाटर डाल देंगे। तीन से चार हरी मिर्च डालेंगे, बारीक कटा हुआ अदरक, टमाटर हमारे गल चुके हुए हैं, थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम इसमें बाकी स्पाइसेस डालेंगे। 1 चम्मच सुर्ख मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डाला हम लोगों ने। मसाले को भून लेंगे। मसाला हमारा भून चुका हुआ है, अब हम लोग इसमें मेथी डाल देंगे। अक्सर लोग मेथी बनाते वक्त उसे बॉईल कर लेते हैं ताकि वो कड़वी ना बने, तो इंशाल्लाह ताला आप लोग इस तरीके से बनाएंगे कभी भी कड़वी नहीं बनेगी। मेथी को हमने 2 से 3 मिनट भून लिया है। अब इसमें हम लोग पालक डाल देंगे। पालक डालने से हमारी जो भुजिया में बहुत सॉफ्ट टच आ जाता है। 2 से 3 मिनट हम लोग पालक और मेथी को अच्छे से भून लेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला। मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इसलिए नहीं मैंने डाला ताकि आलू जो है ना लहसुन अदरक को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसलिए मैंने बारीक कटी हुई अदरक डाली है। 3 से 4 मिनट हम लोगों ने इसको भून लिया हुआ है। 2 से 3 चम्मच हम लोग इसमें क्रीम के डालेंगे। अच्छे से हम लोगों ने इसको भून लिया हुआ है। आधा ग्लास इसमें पानी डाल के इसको 15 मिनट के लिए बारीक आंच पर हम लोग दम पे रख देंगे। दस से 15 मिनट हमारे हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना क्रीमी क्रीमी सा देखें लुक आ रहा है। अब इसमें हम लोग आलू डाल देंगे। फ्लेम को हम लोग मीडियम ही रखेंगे। पांच से सात मिनट के लिए से हम लोग फिर से दम पे रखेंगे बारीक आंच पर ताकि आलू गल जाए। 10 से 15 मिनट हमारे हो चुके हुए हैं। तो ये देखिए फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसे डिश में निकाल लेंगे। तो लीजिए हमारी मज़ेदार सी आलू मेथी तैयार है, क्रीमी क्रीमी, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें और एक बिग थम्स अप भी दे दिया करें। तो मुझे इस दुआओं में ज़रूर याद रखें। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।